नमस्कार, स्वागत है आपका KAG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, टीवी में, अखबारों में और पोर्टल में खबरों को मिस करते हैं या उन खबरों की भीड़ में अपने मतलब की, अपने काम की और सिलेबस की एग्जाम ओरिएंटेड खबरों की तलाश करना चाहते हैं बिना समय गवाए, तो ये बुलेटिन आपके लिए बेहद खास है। बुलेटिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। दोस्तों, इस तरह का बुलेटिन हमारे देश में ये पहला प्रयोग है और मेरी कोशिश है इस बुलेटिन को टू वे कम्युनिकेशन का रखा जाए। आपका फीडबैक लगातार हमको मिलता रहे और हम लगातार आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको हम पूरा करते रहें। हम इस बुलेटिन को 2 दिन से वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं। बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि पहले वाले लैंडस्केप फॉर्मेट में ही इसे बनाया जाए। दोस्तों, एक समस्या ये भी आ रही है कुछ लोगों को कि वो फुल विंडो उनको नहीं करना आता है। बहुत लोगों को आता भी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फुल विंडो स्क्रीन करना आता है तो उसको फुल विंडो में ही देखें। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इस वीडियो को प्ले करते हैं तो सबसे नीचे राइट साइड में एक ऑप्शन आता है बॉक्स नुमा, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो वीडियो फुल विंडो में खुल जाती है। उसका अनुभव एक अलग है देखने का। उसका अनुभव आपके लिए कैसा रहा, हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन में जब आप इसे देखते हैं तो आपके इंटरनेट सर्विस के हिसाब से मोबाइल बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाकर उसके पिक्सलेट को कम या ज़्यादा कर देता है। अगर आप इसको HD क्वालिटी में ही देखना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके उसकी क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं ताकि ये वीडियो आपको HD क्वालिटी में मिले और आप जो उसको स्टडी मटेरियल के लिए देख रहे हैं या खबरों से रूबरू होने के लिए देख रहे हैं, इसका भरपूर आनंद ले पाएँ, इसका लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम बहुत सारे खबरों को, बहुत सारे अखबारों को, न्यूज़ पोर्टल्स को स्कैन करने के बाद हमने बहुत सारी खबरें शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट और मैं अक्सर कहता हूँ लेस इज मोर फॉर्मेट में आपके लिए तैयार किए हैं। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं न्यूज़ स्कैन के साथ। केंद्र सरकार ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानून से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। अब कश्मीर और लद्दाख में कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकेगा। दोनों केंद्र शासित राज्यों में यह कानून तत्काल लागू होगा। हालांकि खेती वाली जमीन खरीदने में सरकार ने एक बंदिश रखी है। केंद्र ने बताया कि खेती वाली जमीन किसी गैर खेतीहर व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। हालांकि खेती वाली जमीन गैर कृषि कार्यों के लिए दी जा सके, इसके लिए कुछ छूट दी गई है, जैसे कि खेती की जमीन पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर हेल्थ केयर सेंटर बनाना। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A हटने से पहले ऐसा व्यक्ति अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता था जो जम्मू कश्मीर का निवासी ना हो। पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई। वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा एक नया अध्ययन सामने आया है जो एक नए ग्रह की खोज का खुलासा करता है। रिसर्च में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जिसके आधार पर यह ग्रह जीवन के लिए योग्य हो सकता है। ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS ने 11 नए सितारों की खोज की है जो M ड्वार्फ स्टार्स के आकार के होते हुए सूर्य के निकट है। TESS को 2018 में नए सितारों और ग्रहों की खोज के लिए लॉन्च किया गया था। US इंडिया 2+2 डायलॉग पूरा हुआ। बेका समझौते की जानकारी हमने आपको कल दी थी। आज देखिए दोनों देशों के मंत्रियों के संदेशों के मुख्य अंश। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गलवान हिंसा का जिक्र करते हुए चीन को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, दुनिया देख रही है कि चीन लोकतंत्र का मित्र नहीं। अमेरिका भारत के लोगों के साथ संप्रभुता और उनकी स्वतंत्रता के लिए खतरों का सामना करने के लिए खड़ा होगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मंजूर नहीं। मार्क एस्पर ने कहा, डिफेंस कोऑपरेशन के तहत टेक्नोलॉजी साझा करेंगे। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया, भारत बढ़ाएगा अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग। इंडो US 2+2 मीटिंग के बाद भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने पाकिस्तान से इमीडिएट, सस्टेन्ड एंड इरिवर्सिबल एक्शन लेने की बात कही ताकि यह इंश्योर हो सके कि पाकिस्तान के कंट्रोल वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिए नहीं किया जाए। PM2.5 पोल्यूटर में भी मिला कोरोना वायरस। अधिक समय वायु प्रदूषण में रहने से मौत का खतरा भी ज्यादा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR यूरोप और अमेरिका में हुई रिसर्च की जानकारी देते हुए बताया है कि अधिक समय तक वायु प्रदूषण का सामना करने से COVID-19 के कारण मौत के मामले बढ़ सकते हैं। नए अध्ययन के मुताबिक COVID-19 से हुई करीब 15% मौतों का संबंध लंबे समय तक एयर पोल्यूशन वाले माहौल में रहने से है। फिलहाल मास्क लगाना ही एकमात्र विकल्प है। यह रिसर्च हार्वर्ड TH चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बोस्टन ने की है। सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जो साल 2019 में अमेंड किया गया था, इसके तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। लश्कर-ए-तैयबा का
यूसुफ मुजमल लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का जीजा अब्दुल रहमान मक्की साल 1999 में कंधार IC-814 अपहरण का आरोपी यूसुफ अजहर, मुंबई बम धमाकों की साजिश रचने वाला टाइगर मेमन, छोटा शकील, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन और इंडियन मुजाहिदीन के भटकल बंधु इस लिस्ट में शामिल है। यूसुफ मुजमल 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है। UAPA को 1967 में पारित किया गया था और साल 2019 में इसे अमेंड किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। अनलॉफुल एक्टिविटीज भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को बाधित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को रेफर करती है। इसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। UAPA के तहत भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को चार्ज किया जा सकता है, भले ही अपराध भारत में या विदेशी भूमि पर हो। अभी आपने देखा टॉप 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स KSG न्यूज स्कैन में। अब वक्त है KSG न्यूज फ्लैशेस का, इंपॉर्टेंट टॉप 10 न्यूज फ्लैशेस जो आपको शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से जानना जरूरी है। भारत पाक महिलाओं को कम उम्र में अधिक घातक स्तन कैंसर का खतरा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर में पब्लिश स्टडी रिपोर्ट। SMS, WhatsApp, ईमेल से संबंध भेजने का फेवर करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे डिजिटल साधनों को अपनाने पर हाई कोर्ट्स और स्टेट्स के DJP से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट का CBI को आदेश, FIR दर्ज कर CM त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच करें, पत्रकार पर देशद्रोह के मामले में FIR रद्द। दिल्ली सरकार की योजना, ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप से लोग फोटो और वीडियो से पॉल्यूशन की शिकायत करेंगे, समय पर समाधान ना होने पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान से आ रहा पराली का धुआं खराब हो रही पंजाब दिल्ली की आबोहवा, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हाई वॉल्यूम सैंपलर मशीन से मिला डाटा। COVID-19 अपडेट की बात करते हैं। पिछले 5 हफ्ते में लगभग आधे हो गए डेली केस। नए केस में से 50% मामले केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली से। ईरान में रेड अलर्ट, फिर लगा लॉकडाउन। भारत में कोरोना वायरस के स्प्रेडर या सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं बच्चे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की चेतावनी। वित्त मंत्री ने माना इस साल जीरो ही रहेगी देश की GDP ग्रोथ, चीन के भारत से आगे रहने का अनुमान। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव भारत में कोरोना महामारी के बीच पहला चुनाव है। इतिहास में 28 अक्टूबर अमेरिका फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इनॉग्रेशन का दिन। न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर खड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जुलाई 1884 में फ्रांस में बनी थी। इसके 350 टुकड़े 214 बॉक्स में पैक होकर अमेरिका पहुंचे थे। मूर्ति के मुकुट पर 7 किरण हैं जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का प्रतीक है। बाएं हाथ में नोटबुक पर लिखा नंबर अमेरिका की आजादी की तारीख दिखाता है। साल 1984 में यूनेस्को ने इसे ग्लोबल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। खबरों की दुनिया में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, जो आपको अपने एग्जाम में, अपने डिस्कशन में कभी भी कहीं भी काम आ सकते हैं। आज देखते हैं KSG न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेम्बर। अमेरिका और सिंगापुर सहित 6 देशों पर सस्ती लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन की डंपिंग करने का आरोप, इन पर बढ़ सकता है आयात शुल्क। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की इन्वेस्टिगेशन आर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज यानी DGTR कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, थाईलैंड, UAE और अमेरिका के खिलाफ जांच करेगा। DGTR कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक जांच शाखा है जो एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन और सुरक्षा उपायों जैसे मुद्दों को डील करती है। LDPE बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ पॉलीमर्स रेफर टू कलेक्टिवली एज अ पॉलीओलेफिन। DGTR के नोटिफिकेशन के मुताबिक आरोपों में कहा गया है कि LDPE के डंप आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। प्रारंभिक सबूतों के आधार पर DGTR ने शुरू की जांच। एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का फैसला वित्त मंत्रालय करेगा। WTO के नियमों के मुताबिक कोई देश गलत व्यापारिक तौर तरीकों से अपने देश के उद्योग को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठा सकता है। इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। IIT खड़गपुर और TCS ने संयुक्त रूप से रिमोटली कंट्रोल्ड फैक्ट्री ऑपरेशंस के लिए नोवल इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एक नया चरण है जो इंटरकनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा पर बहुत अधिक फोकस करता है। येलो डस्ट, उत्तरी कोरियाई अधिकारियों ने चीन से उड़ने वाले येलो डस्ट के मिस्टीरियस क्लाउड्स के संपर्क में आने से बचने के लिए नागरिकों को कहा है।
येलो डस्ट चीन और मंगोलिया में रेगिस्तान से उड़ने वाली रेत है। सरफेस पर चलने वाली हाई स्पीड हवाएं हर साल स्पेसिफिक पीरियड के दौरान इस रेत को उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों में ले जाती है। एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंस मिले हैं। कोटड़ा भादली से प्राचीन बर्तनों पर अवशेषों का एनालाइजेशन 2500 ईसा पूर्व में आईवीसी में डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंस को दर्शाता है। डेयरी उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों की अगर बात करें तो उसमें कैटल, वाटर बफेलो, गोट और शिप थे। रिमोट सेंसिंग डिवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम। एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रिमोट सेंसिंग डिवाइस मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की केंद्र सरकार की योजना। हाईटेक कैमरे और एमिशन एनालाइजर लेजर की मदद से गाड़ियों की वाहनों की नंबर प्लेट, फास्टैग आईडी और एमिशन स्टैंडर्ड्स का पता लगाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली से शुरू होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर फाइनल ड्राफ्ट सितंबर में जारी कर दिया था। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें विस्तार से जानना जरूरी है, उनका बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है। आप जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उस स्टेट के जो परमानेंट निवासी नहीं हैं, जो भारतीय नागरिक, भी जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ भारतीय नागरिक होने के बावजूद आप वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते? आइए देखते हैं विस्तार से KSG स्पेशल रिपोर्ट। आज़ादी के बाद देश के कई हिस्सों को संघ में शामिल करने और उनकी विशेषता को बचाए रखने के लिए कुछ विशेषाधिकार दिए गए। इसमें से एक है आर्टिकल 371। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन राज्यों को यह अधिकार मिला है। इसमें आर्टिकल 371A से लेकर आर्टिकल J तक शामिल है। हिमाचल प्रदेश से बाहर रहने वाला कोई नागरिक या नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए कोई व्यक्ति हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। हालांकि कुछ मामलों में गैर कृषि भूमि खरीदने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। नागालैंड 371A स्थानीय आदिवासियों की जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए नागालैंड को अधिकार मिले हैं। इसके तहत नागालैंड का स्थायी निवासी न होने पर कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता है। असम 371B पूरे असम में नहीं, लेकिन राज्य के आदिवासी इलाकों में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। मणिपुर 371C नागालैंड की तरह ही मणिपुर में स्थानीय जनजातियों की जमीन सुरक्षित करने के लिए विशेषाधिकार मिले हैं। यहां भी राज्यों से बाहर का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने योग्य नहीं है। सिक्किम 371F सिक्किम में जमीन खरीदने के लिए कानून और भी सख्त है। यहाँ राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति स्थानीय लोगों की जमीन नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा आदिवासियों के इलाके में राज्य का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। मिजोरम 371G मिजोरम में स्थानीय मिजो लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं। यहाँ पर जमीन का मालिकाना हक सिर्फ स्थानीय आदिवासी लोगों के हाथ में है। हालांकि बाहरी लोग बिजनेस स्थापित करने के लिए सरकार से जमीन ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश 371H यहाँ भी राज्य से बाहर के लोग स्थानीय निवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। कर्नाटक 371J हिमाचल प्रदेश की तरह कर्नाटक में सिर्फ किसान ही जमीन खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि एक आय से अधिक लोगों को किसान नहीं माना जाता है। बिजनेस के लिए जमीन खरीदने से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। उत्तराखंड जमींदारी अनुमूलन अधिनियम कानून के तहत बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना आसान नहीं है। बिल्डरों से जमीन बचाने के लिए एक निर्धारित संख्या से अधिक जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तमिलनाडु राज्य में 59.95 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती। वहीं मकान बनाने के लिए भी कम से कम 10 साल तक कृषि कार्य में ना इस्तेमाल हुई जमीन का इस्तेमाल करना होगा। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में खबरों के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के बारे में नोटिफिकेशन जो जो निकलती हैं उससे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। बात करते हैं UPSC CDS 1 2021 की नोटिफिकेशन की, जो UPSC ने जारी कर दी है। इसके लिए विभिन्न अकेडमीज में रिक्तियां भरी जाएंगी। आइए देखते हैं KSG जॉब नोटिस बोर्ड। UPSC CDS 1 नोटिफिकेशन 2021 345 पदों के लिए होगी सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा। UPSC ने जारी किया नोटिफिकेशन। upsc.gov.in पर मिलेगी डिटेल। CDS 1 परीक्षा 2021 के माध्यम से विभिन्न डिफेंस अकेडमीज में वैकेंसीज की घोषणा भी की जाएगी। इन अकेडमीज में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी शामिल है। UPSC CDS 1 परीक्षा 2021 के लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट 17 नवम्बर 2020 है। KSG जॉब नोटिस बोर्ड में अगली खबर का रुख करते हैं। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2020 के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1 जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट्स प्रीलिम परीक्षा में सफल हुए हैं उन्हें यह फॉर्म भरना होगा।
यूपीएससी DAF फॉर्म 2020 यूपीएससी ने DAF 1 फॉर्म जारी कर दिया है। कैंडिडेट्स upsc.gov.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम में सफल कैंडिडेट्स मेंस परीक्षा के लिए डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। 28 अक्टूबर से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक अप्लाई किया जा सकता है। यूपीएससी IAS 2020 मेन एग्जाम 8 जनवरी 2021 को होगा। KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में करंट अफेयर्स की बात हो गई, जॉब नोटिफिकेशन की बात हो गई। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किसी मैराथन से कम नहीं है। और तैयारी शुरू करने से पहले का जो मोटिवेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं KSG टॉपर स्पीक। KSG इंडिया टॉपर 2018-19 के AIR 1 कनिष्क कटारिया का संदेश। I am Kanish Kataria. I got first rank in UPSC and I'm highly indebted to Khan sir and Khan study group. His critical analysis and insights helped me a lot to improve my personality in last 2 months, and I believe that it helped me get first rank in UPSC. KSG India topper, All India rank 1 Kanish Kataria ji ko bahut bahut dhanyawad aur dheron shubhkamnaen. दोस्तों, जब भी कोई गोल आप सेट करते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो रास्ता है उससे भटक ना जाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, ये कैसे करें, आइए देखते हैं। KSG गुरु मंत्र बाय डॉक्टर खान। आई ऑफन मीट स्टूडेंट्स हु कम टू मी टेलिंग दैट आई गेट लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड देन आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू कंसंट्रेट ऑन माय गोल एंड देन डेविएशंस आर किलिंग मी। Well, I think I would like to advise that you should increase the gravity of your goal. I mean, if your pull of the goal is strong, I suppose this minor distractions would not really work and they would not be bothering you. If the gravity is more, I mean, then the acceleration towards that goal will be greater. I know it's simple law of physics. But then the point is that, I mean, you have a factor of R also that applies on that, the radius, the distance that you have from your goal. And quite often, most of you, when you're initial stage of preparation, when you're too far away from your goal, you'd find that the pull is not there, the gravity is not so strong. So what I would like to advise is a very simple solution. I would advise that you pick up some small goals. In a sense, like if you have got the distance from your goal is reduced, let's say you sit down for half an hour, 1 hour or 2 hour, whatever you have set a goal. And within that 2 hour, you try to accomplish that. So if you have got your goal accomplished is as immediate as next 2 hours, you definitely will have a greater pull and the distractions will be lesser. But if you have made a plan for, let's say, 1 month, what happens is that after 1 month, you realize that I have not done, and a huge sense of negative reinforcement of unaccomplished tasks is actually bothering you. If you have got several small 1 hour, 1 hour, 1 hour, or 2 hour, 2 hour goals like that, they'll be very immediate. And even if you don't accomplish, you have got fresh 5 such targets for the same day. You will achieve the remaining 4 if you have not achieved 1. So that way, I would like you to actually try accomplishing your goal by using the idea of gravity. In fact, this is one constant factor which operates, and then which is where you have your pull of the target really helping you. I am sure this video would get you an idea to do not look for a long distant target, but instead look at the target that's right in front of you in next 2 hours, and I promise you will deliver. My best wishes are with you. कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में करंट अफेयर्स की दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर के मुख्य पॉइंट आप तक पहुंच जाए, यही हमारी कोशिश है। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक जरूर दें। दोस्तों, आज के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।